Sometimes people fight for a larger good. Sometimes people fight for grave injustice meted out to them. Our next story is of the latter. Parveena Ahangar from Kashmir has opened up an association for the parents of disappeared persons in Srinagar, through which she also hopes that someday she will find her son who's been missing for the last 23 years. मेरे बेटे 9th-10th क्लास में पास हो गए, फिर उसको पकड़ लिया। रात को 3 बजे मिलिट्री आ गई, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड एनर्जी वाले जावेद अहमद भट्ट को छापा आ गई, मगर मेरे बेटे को नाम ही जावेद अहमद अहंगर। ये जावेद अहमद अहंगर है, ये मेरा बेटा ही। उस वक्त ये 16 साल, उसने मैट्रिक पास किया बेचारे। उस वक्त उसको पकड़ लिया, फिर मेरा हट गया, तिहार गया, जोधपुर गया, कोई भी हिंदुस्तान में जेल, जम्मू में, कुठवा, हीरानगर, हर जेल में खुद ढूंढा, मगर कहीं भी नहीं मिला। मेरा नाम परवीना आंगर है, मेरा एसोसिएशन का नाम APDP एसोसिएशन पेरेंट्स डिस्पेयर पर्सन। मैंने 94 से बनाया एसोसिएशन, फिर मैंने धरना शरना दिया, बहुत मेहनत किया, बहुत FIR भी मैंने काटा, थाने में भी गए, SP कंट्रोल रूम के पास भी गया, फिर उन्होंने बोला आपका बेटा है, मगर उसको थोड़ा सा चोट आ गया, वो बीबीकंठ हॉस्पिटल में। मैं गया बीबीकंठ हॉस्पिटल, 3 बार उन्होंने गाड़ी दिया, पास भी दिया, मैं गया उधर तो उधर दिखाई नहीं दिया। तो सब लोग मैंने इकट्ठे किया, मैंने हाईकोर्ट के दरवाजे पर धरना दे दी है, फिर मैंने बोला हम इकट्ठे हो जाएगा सब लोग, हम इकट्ठे लड़ेगा। मैं अपने बच्चे के लिए नहीं लड़ रहा, मैं सबों के लिए लड़ रहा। हर इंटरगेशन सेंटर, हर जेल में मैंने, हर कोई भी सेंटर, जम्मू भी, तवी पर, कोई भी जगह पर इधर इंटरगेशन सेंटर है उधर मैं ढूंढने गई। फिर मैंने कोर्ट में 90 में रिट पिटीशन दायर किया, 91 में, 92 उसको इंक्वायरी हो गया, बाद में 97 तक मैंने केस लड़ा, उसको तफ्तीश भी किया। 97 से मेरा फाइल गया सैंक्शन के लिए होम मिनिस्टर के पास, उन्होंने फाइल लिखाया, उन्होंने कोई ये सैंक्शन नहीं दिया। अगर बच्चे सिक्योरिटी एजेंसी ने उठाया, कहाँ रखा, किधर? अगर कानून है, हर किसी के लिए कानून है, सिविलियन के लिए कानून, सिक्योरिटी एजेंसी के लिए कोई कानून नहीं है। इनको कमीशन बिठाओ, आजादाना कमीशन बिठाओ। हमारी मकसद यही है, जब तक हमारी लड़ाई जारी है, तब तक, जब तक हमारा मसला हल नहीं हो जाएगा, हमारी बच्चे उठाए सिक्योरिटी एजेंसी ने, उन एजेंसी से पूछो हमारी बच्चे कहाँ है, तब तक लड़ाई जारी है। मैं मरने वाली हूँ, मगर डरने वाली नहीं हूँ।